आगरा की पावन धरती पर 45 दिवसीय यूथ फेस्टिवल एवं टैलेंट हंट का आयोजन होने जा रहा है। इस आयोजन में प्रदेश के सैकड़ों कलाकार अपना जलवा बिखेरते हुए नजर आएंगे। वहीं एडीए व वर्ल्ड डिजाइनिंग फोरम के संयुक्त तत्वावधान में 19 मई से सेल्फी पॉइंट पर इस प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है। इस टैलेंट हंट में डांसिंग, एक्टिंग, ओपन मिमिक्री, सिंगिंग सहित विभिन्न प्रतियोगिता में प्रदेश भर की प्रतिभाएं अपनी कला व हुनर के जलवे बिखेरते हुए नजर आएंगे। इस आयोजन का इंतजार ताजनगरी के लोग बड़ी बेसब्री से कर रहे हैं। इस पूरे आयोजन की जानकारी आज फतेहाबाद रोड स्थित चौपाटी पर पोस्टर विमोचन के साथ दी गई। प्रेस वार्ता में एडीए के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पूरन कुमार और वर्ल्ड डिजाइनिंग फोरम के अंकुश अनामी ने बताया कि कार्यक्रम का आयोजन प्रदेश में छिपी हुई प्रतिभाओं को बॉलीवुड तक पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। कार्यक्रम की रूपरेखा विश्व की सबसे बड़ी फैशन कम्युनिटी और वर्ल्ड डिजाइनिंग फोरम ने तैयार की है। आपको बता दें कि 30 जून से 2 जुलाई तक ग्रैंड फिनाले में बॉलीवुड समेत देश की मशहूर हस्तियां चुनी हुई प्रतिभाओं को सम्मानित करने आगरा पहुंचेंगी, जिसमें मुख्य रूप से बॉलीवुड की चर्चित फैशन डिजाइनर रीना डाका, अंतरंगी टीवी की वाइस प्रेसिडेंट एवं बालाजी टेलीफिल्म्स की पूर्व क्रिएटिव डायरेक्टर निवेदिता वासु, आज तक ग्रुप के एडिटर अमित त्यागी, राष्ट्रपति महिला सशक्तिकरण पुरस्कार विजेता रूमा देवी, पिक्चर एंड क्राफ्ट की सीईओ पारुल चावला, बिग बॉस फेम फैशन डिजाइनर सव्यसाची सतपति, बॉलीवुड एवं भारतीय एक्टर शांति प्रिया और मिस दिवा यूनिवर्स नेहल चुड़ासमा उपस्थित रहेंगी। आपको बता दें कि इस टैलेंट हंट में मिस्टर, मिसेस एवं मिसेस आगरा और मिस इंडिया हेरिटेज 2023 के प्रतिभागियों को समाज के हित में कार्य करने के टास्क भी दिए जाएंगे, जिसमें गरीबों के भोजन कराने से लेकर ट्रैफिक नियमों के पालन के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। इससे युवाओं की क्षमताओं को विकसित करने का मौका मिलेगा और फेस्टिवल युवाओं के लिए एक अद्भुत मंच होगा, जहां वे अपनी क्षमता को प्रदर्शित कर सकेंगे और उसे तकनीकी रूप से बढ़ा सकेंगे। इस अवसर पर सुधीर नारायण, पर्यटन विभाग से विशाल श्रीवास्तव, ऋषभ, पुष्पेंद्र सिंह, प्रिंस यादव जेई, एडीए अवनीत फरदीन आदि उपस्थित रहे। न्यूज पब्लिक तक से अखिलेश चौधरी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश का मेन आगरा का, उसको हम एक सही मार्गदर्शन दे सकें। और कई बार मैंने इस चीज़ के लिए बोला है कि आजकल यूथ के अंदर टैलेंट बहुत है और सिर्फ उसी टैलेंट का फायदा शायद आजकल की बहुत सारी बाहर की ऐप्स भी उठाती हैं, लेकिन उनको एक सही मार्गदर्शन, सही जगह मिलनी चाहिए। तो इसलिए आज आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ में मिल करके वर्ल्ड डिजाइनिंग फोरम एक यूथ फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कर रहा है, जो अभी आपका 19 तारीख से शुरू होगा और लगभग 2 जुलाई तक इसका कंप्लीशन होगा। सेकंड, ये वीकेंड डे प्रोग्राम होगा। वीकेंड पे फ्राइडे, सैटरडे, संडे इसी आगरा सेल्फी पॉइंट के ऊपर शाम को 6 बजे के बाद से इन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 3 दिन के प्रोग्राम में फर्स्ट डे ओपन ऑडिशन होगा, जिसमें सभी लोग जो लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे वो अपना ऑडिशन देंगे। सेकेंड डे इसका सेमीफिनाले होगा और लास्ट डे हम इसमें से जो विनर्स हैं जो है, इसमें आपका डांसिंग कंपटीशन है। सबसे पहले आपका डांसिंग, सिंगिंग, मॉडलिंग, एक्टिंग, ओपन माइक और इस तरीके से अदर टैलेंट, मतलब आपके अंदर किसी भी टाइप का जो टैलेंट है उस टैलेंट को आप यहां पर आकर के दिखा सकते हैं। सबके लिए अलग अलग डेट निश्चित करी गई है और वेबसाइट के ऊपर जाकर के आदमी इसमें अपने रजिस्ट्रेशन को कर सकता है। और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से वो रजिस्ट्रेशन सभी के लिए ओपन कर दिए जाएंगे, जो अगले एक हफ्ते तक के लिए कहना चाहेंगे आज इस प्रदेश गवर्नमेंट और एडीए और वर्ल्ड डिजाइनिंग फोरम मिलके ये आयोजन करवा रहे हैं। तो आई लव आगरा सेल्फी पॉइंट अब एक टूरिस्ट अट्रैक्शन धीरे धीरे बन रहा है
और सबसे जो बड़ी दिक्कत थी आगरा की वो ये थी कि टूरिस्ट यहाँ दिन भर में आता था और फिर शाम को निकल जाता था, तो नाइट लाइफ यहाँ पे अभी तक कॉन्सेप्ट नहीं था। हमारी कोशिश है कि ये वीकेंड्स पे कुछ नाइट लाइफ हो, फ्राइडे को यहाँ पे इवेंट होगा तो फ्राइडे को लोग यहाँ पे आएँ या जो लोग हैं वो यहाँ पे रुकें, तो कहीं ना कहीं टूरिज़्म को इससे प्रमोशन मिलेगा और टूरिज़्म डिपार्टमेंट भी इसमें जो इसके प्रमोशन और प्रचार प्रसार के लिए जो भी सहयोग है वो कर रहा है और आगे अच्छे से ऑर्गेनाइज करें। बाकी हम लोग वी विल टेक केयर फ्रॉम इनके पीछे से हम लोग हैं, सहयोग करेंगे। हमारे सुधीर नारायण जी हैं, बहुत अनुभवी कल्चरल वो हैं यहाँ के आगरा के, तो ये भी इसमें जो भी मदद होगी करेंगे हम लोग आगरा के लिए, जो भी डेवलपमेंट और जो भी इसमें कल्चरल डेवलपमेंट के लिए करना है, क्योंकि आने वाले अभी अगस्त में अभी हमारा G20 का फिर से बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, तो उसको देखते हुए हम डे टू डे जो है रोज के रोज कुछ ना कुछ इंटरटेनमेंट बढ़ाते रहेंगे जिससे कि G20 सफल आए। जो कॉम्पिटिशन्स करा रहे हैं उसमें भी जो आगरा के ही बड़े बड़े जो संगीतज्ञ हैं वो ही उसमें एज ए जज यहाँ पर उनकी उपस्थिति रहेगी, तो आगरा का अच्छा खासा यहाँ पे पार्टिसिपेशन होगा। और आई एम वेरी पॉजिटिव कि आने वाले समय में इस तरह के और भी आयोजन इसकी वजह से होंगे, आगरा की जो प्रतिभाएं हैं उनका पार्टिसिपेशन होगा। और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि अपना करते रहते हैं, दे वॉन्ट सम प्लेटफॉर्म की स्टेज भी उनको मिले और उनका कोई रिकग्निशन मिले, तो वो रिकग्निशन मिलने की एक जो है ये निश्चित रूप से एक ये स्थान बन सकता है।